डीपीएस योजना से एनपीएस योजना में शिक्षकों कर्मचारियों को शामिल करते समय सीएसआर फॉर्म की सख्ती न करते हुए कर्मचारियों की समस्याओं का हल करने की मांग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शासन मान्य संगठन शिक्षक भर्ती नागपुर जिले की ओर से की गई है। शिक्षक भर्ती सरकार संगठन द्वारा कई मांगों को लेकर शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला परिषद नागपुर और शिक्षण उप संचालक नागपुर विभाग के द्वारा शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को निवेदन सौंपा गया। शिक्षक कर्मचारियों द्वारा यह मांग की गई है कि शिक्षक शिक्षकेतर व मुख्याध्यापक कर्मचारियों के डीपीएस अकाउंट बंद कर एनपीएस योजना में उन्हें शामिल किया जाए। साथ ही एनपीएस योजना में सरकार का 14% हिस्सा कर्मचारियों के वार्षिक उत्पन्न में दर्ज किया जा रहा है। साथ ही निवृत्ति के दौरान 60% रकम टैक्सेबल है। ऐसा कर सरकार कर्मचारियों पर अन्याय कर रही है। आज उप संचालक नागपुर विभाग को एक निवेदन दिया है शिक्षक भारतीय शासन मान्य संगठना की ओर से। इस निवेदन में जो समस्या पूरे महाराष्ट्र की शिक्षकों की है कि जिनको डीसीपीएस निवृत्ति योजना के माध्यम से पहले तहलत किया गया था और अभी उनको एनपीएस राष्ट्रीय निवृत्ति योजना में उनको कन्वर्ट करके उनके खाते निकाले जा रहे हैं। जब डीसीपीएस योजना लागू की गई थी तो उसे 2 साल भी नहीं हुए और इसमें बहुत बड़ा समस्या का मसला है कि उसका हिसाब सरकार की ओर से दिया नहीं जा रहा है। विभाग के तौर से हर विभाग में उनको जो उसकी हिसाब की पावती मिलना है वो नहीं मिली है। हिसाब में जो बहुत सारी गलतियां हैं, ये सब समस्या रहने के बाद भी सरकार ने अभी पत्रक निकाला है कि डीसीपीएस धारकों को एनपीएस में कन्वर्ट किया जाए और ये जो मार्च का पगार है वेतन पत्रक वेतन उसमें उन्हें सख्ती की जा रही है कि अगर आप एनपीएस का खाता नहीं निकाले तो आपका वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे कई मुद्दों को लेकर शिक्षक भारती संगठन द्वारा निवेदन शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।